दोस्तों Realme इंडिया ने आज अपने Realme 7 सीरीज के दो नए फोन्स Realme 7 और 7 Pro को इंडिया में लॉन्च किया है, जिसमें Realme 7 आपको 15,000 रुपए के प्राइस रेंज में अच्छे स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर के साथ मिलता है। इसी प्राइस रेंज में आपको Realme 6 स्मार्टफोन भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को Realme 7 और Realme 6 इन दोनों फ़ोन के बीच में कंपेयर करके बताऊंगा कि इस बजट में कौन सा फ़ोन बेस्ट है, जो कि स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और प्राइस के हिसाब से होंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। Realme 7 में आपको स्लिक मिरर डिजाइन मिलता है, जिसमें आपको रियर पैनल पे वर्टिकली क्वाड कैमरा का सेटअप और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस पंच होल स्टाइल में बेजल लेस डिस्प्ले मिलता है, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। Realme 6 में आपको जो है कॉमेट डिजाइन मिलता है, जिसमें आपको रियर पैनल पे वर्टिकली क्वाड कैमरा का सेटअप और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस पंच होल स्टाइल में बेजल लेस डिस्प्ले मिलता है, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो दोस्तों दोनों फोन में आपको डिजाइन और डिस्प्ले के मामले में जो है सिमिलरिटी देखने मिलता है। Realme 7 में आपको 2GHz पे ऑक्टा कोर मीडियाटेक का हीलियो G95 का पावरफुल चिपसेट मिलता है, जो कि न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है। वही Realme 6 में आपको 2GHz पे ऑक्टा कोर मीडियाटेक का हीलियो G90T का प्रोसेसर दिया गया है। एज कम्पेयर Realme 7 में आपको जो है पावरफुल चिपसेट देखने मिलता है। Realme 7 में आपको 64MP सोनी सेंसर के साथ क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 8MP का सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2MP का मोनोक्रोम तो 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। कैमरे में आपको नाइट मोड के साथ AI बेस्ड कई सारे फीचर देखने मिलते हैं। फोन में आपको 16MP का AI फ्रंट कैमरा दिया गया है। Realme 6 में आपको 64MP सैमसंग GW1 सेंसर के साथ क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 8MP का सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड सेंसर तो 2MP का पोर्ट्रेट और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। कैमरे में आपको AI बेस्ड कई सारे फीचर देखने मिलते हैं। फोन में आपको 16MP का AI फ्रंट कैमरा मिलता है। तो दोस्तों आपको Realme 7 में जो है बेटर कैमरा सेंसर दिया गया है। Realme 7 में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलता है, तो Realme 6 में आपको 4300mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन में आपको जो है टाइप सी पोर्ट के साथ 30W का फास्ट चार्जर मिलता है। तो दोस्तों Realme 7 में आपको जो है बड़ी बैटरी दी गई है एज कम्पेयर Realme 6। दोस्तों अब बात करूँ दोनों फोन के प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, तो Realme 7 आपको दो वेरिएंट में देखने मिलता है, जिसमें इस फोन के 6GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 15,000 रुपीज, तो 8GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट आपको मिलेगा 17,000 रुपीज में। वही Realme 6 स्मार्टफोन आपको आज के समय दो वेरिएंट में देखने मिलता है, जिसका प्राइस जो है लॉन्च के प्राइस से बढ़ा दिया गया है, जिसमें इस फोन के 6GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलता है 15,000 रुपीज में। वही 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलता है 17,000 रुपीज में। ये दोनों फोन आपको Flipkart और Realme के वेबसाइट पे मिलेंगे। तो दोस्तों Realme 6 और Realme 7 दोनों फोन का जो प्राइस और रैम और रोम वेरिएंट तो सेम है, लेकिन आपको स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो Realme 7 स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ देखने मिलता है। आपको जो है दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट लगा है, आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल Editech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।